नमस्कार, मैं दिलीप पवार, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, वर्किंग एट गवर्नमेंट कॉलेज नागौर। तो कल जो अपन ने बात की थी वो बौद्ध धर्म के बारे में, उनके विचारों के बारे में अपन ने बात की थी, तो उसी क्रम में आज आगे बढ़ते हुए बात करते हैं बौद्ध धर्म के। आप लोग लिखो बौद्ध धर्म का सामाजिक दृष्टिकोण, बौद्ध धर्म का सामाजिक दृष्टिकोण। इसमें लिखो बौद्ध धर्म के अनुसार, बौद्ध धर्म के अनुसार दुनिया दुखों से परिपूर्ण है। बौद्ध धर्म के अनुसार दुनिया दुखों से परिपूर्ण है। इसके बावजूद उनका दृष्टिकोण नकारात्मक नहीं था। क्योंकि उन्होंने दुखों का निवारण करने हेतु उपाय बताए, फिर आगे लिखो पांचवी और छठी शताब्दी ईसा पूर्व, पांचवी और छठी शताब्दी ईसा पूर्व के मानकों के अनुसार बौद्ध धर्म ने महिला और निम्न वर्ग के लोगों को अपने धर्म में स्थान दिया। फर्स्ट ईयर एससी बट अतः तत्कालीन विचारधाराओं के विपरीत उस समय की बात करें, तत्कालीन कॉन्टेम्प्रेरी इसको अंग्रेजी में कहते हैं, कॉन्टेम्प्रेरी उस समय की बात करें, अतः तत्कालीन विचारों के विपरीत बौद्ध धर्म ने सुधारवादी नजरिया रखा। रिफॉर्मिस्ट अप्रोच थे, सुधारवादी नजरिया रखा। इसके बाद आगे लिखो इनका प्रयास रहा कि समाज के सभी वर्ग बौद्ध धर्म के समर्थक बने। इन्होंने राजा और गृहपति इन्होंने राजा और गृहपति की सहूलियत के लिए, गृहपति का मतलब होता है उस समय का अमीर व्यक्ति जिसके पास भूमि हो, जो एग्रीकल्चर में लगा हुआ हो और बड़ी भूमि का मालिक हो, गृहपति।
राजा और गृहपति की सहूलियत के लिए नियम बनाए, राजा और गृहपति की सहूलियत के नियम सहूलियत के लिए नियम बनाए कि भगोड़े सैनिक, सहूलियत के लिए नियम बनाए कि भगोड़े सैनिक और भगोड़े दास, जो भागे हुए हैं ना, भगोड़े सैनिक और भगोड़े दास और ऋणी व्यक्ति, ऋणी ऋणी जिसने किससे से उधार ले रखा हो, उधार को नहीं चुकाया हो, ऋणी ऋणी हिंदी में शब्द होता है ना ऋण, ऋणी व्यक्ति, ठीक है, ऋणी व्यक्ति, इनको बौद्ध संघ में स्थान नहीं दिया गया, इनको बौद्ध संघ में स्थान नहीं दिया गया, इनको बौद्ध संघ में स्थान नहीं दिया गया। देखो जो भगोड़े सैनिक हैं वो युद्ध करने के बजाय भाग खड़े हुए, तो राजा उनसे नाराज रहेगा, और ऐसे व्यक्ति को बौद्ध धर्म ने अपने संघ में भी जगह नहीं दी ताकि राजा खुश हो जाए, तो राजा के हितों का भी उन्होंने ध्यान रखा। दूसरा गृहपति, गृहपति अमीर व्यक्ति हुआ करता था, कई लोगों को पैसा उधार देता था, और बहुत सारे लोग ऋण लेने के पश्चात उसको चुकाते नहीं थे, तो बौद्ध धर्म ने उनके लिए भी रास्ता बंद कर दिया ऋणी व्यक्तियों को। अगर उन्होंने किसी से उधार लिया, उधार को नहीं चुकाया, तो उनको भी संघ में प्रवेश नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार के नियम बनाए गए कि राजा और गृहपति दोनों समर्थक बन जाए बौद्ध धर्म के, क्योंकि उनको अपना बौद्ध धर्म फैलाना था। दूसरा धर्म था ब्राह्मण धर्म, जिसको उन्होंने उनको उसको चुनौती देनी थी। इसके अतिरिक्त इन्होंने बौद्ध अनुयायियों को इसके अतिरिक्त इन्होंने बौद्ध अनुयायियों को बौद्ध फॉलोअर्स बौद्ध अनुयायियों को दास व्यापार बौद्ध अनुयायियों को दास व्यापार से कमाई करना प्रतिबंधित कर दिया, दास व्यापार से कमाई करना प्रतिबंधित कर दिया। एक तो दासों को नहीं लिया करते थे अपने संघ में, दूसरा अपने अनुयायियों को स्पष्ट कर दिया कि आप दास व्यापार में लिप्त नहीं होगे, ना तो दास को खरीदोगे ना आप दास को बेचोगे। फिर उसके बाद आगे लिखो, इन्होंने श्रमिकों के सम्मान की भी बात कही, इन्होंने श्रमिकों के सम्मान की भी बात कही, और अपने अनुयायियों श्रमिकों के सम्मान की भी बात कही, और अपने अनुयायियों को कहा कि वो श्रमिकों की मजदूरी, श्रमिकों की मजदूरी कौमा भोजन आदि की व्यवस्था समुचित करें, श्रमिकों की मजदूरी कौमा भोजन आदि की व्यवस्था समुचित करें। आगे लिखो, अगर श्रमिकों को सम्मान मिलता है, अगर श्रमिकों को सम्मान मिलता है तो अगर श्रमिकों को सम्मान मिलता है तो वह अपने मालिक को पूर्ण कर्तव्य के साथ सेवा दे सकते हैं, तो वह अपने मालिक को पूर्ण कर्तव्य के साथ सेवा दे सकते हैं, पूर्ण कर्तव्य के साथ सेवा दे सकते हैं। अतः इन्होंने मालिक और श्रमिक के बीच अतः इन्होंने मालिक और श्रमिक के बीच सामंजस्यपूर्ण संबंध की वकालत की, अतः उन्होंने श्रमिक और मालिक के बीच सामंजस्यपूर्ण हार्मोनियस रिलेशन, इनके बीच में अच्छे संबंध हो, सामंजस्यपूर्ण संबंधों की वकालत की। आगे लिखो, बौद्ध धर्म ने अपने संघ का द्वार, अपने संघ का द्वार सभी के लिए खोल दिया, बौद्ध धर्म ने अपने संघ का द्वार
सभी के लिए खोल दिया, जहां पर संघ का द्वार सभी के लिए खोल दिया, जहां पर निर्णय बहुमत से लिए जाते थे, जहां पर निर्णय बहुमत से लिए जाते थे। अतः बहुमत से लिए जाते थे, अतः समानता का सिद्धांत संघ के समानता का सिद्धांत संघ के क्रियाकलापों में अतः समानता का सिद्धांत संघ के क्रियाकलापों में निहित किया, शामिल किया। समानता का सिद्धांत संघ के क्रियाकलापों में शामिल किया। फिर इसके बाद आगे लिखो, इन्होंने छुआछूत की अवहेलना की। उदाहरण के लिए बौद्ध संघ में चांडाल शिक्षक भी रहा करते थे। चांडाल लोभवान व्यक्ति हुआ करते थे, जिनको शूद्र कहा जाता था चांडाल, तो इनके संघ में चांडाल शिक्षक भी रहा करते थे। समझ आ रहा है यहां पे मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि बौद्ध धर्म का जो दृष्टिकोण था वो सामाजिक दृष्टिकोण था। इन्होंने समाज के अनुरूप अपने सिद्धांतों की व्याख्या की है और समाज के सभी वर्गों का समर्थन लेने की चेष्टा की है इन्होंने, तभी बौद्ध धर्म इतना अधिक भारतीय उपमहाद्वीप में लोकप्रिय हो पाया। मैक्स मूलर के अनुसार एक इतिहासकार का नाम है, मैक्स, इंग्लिश में लिख लो MAX, मैक्स मूलर, MULLER, MAX, MULLER, जो उसने कहा है इतिहासकार ने, जो बुद्ध के द्वारा महसूस किया गया, जो बुद्ध के द्वारा महसूस किया गया वह हजारों युवा के द्वारा भी महसूस किया गया जो बुद्ध के द्वारा महसूस किया गया वह हजारों युवा के द्वारा भी महसूस किया गया और गौतम बुद्ध की सफलता का राज ही यही है। गौतम बुद्ध की सफलता का राज भी यही है, मतलब कि एक नेता की भांति उसको पता था कि लोग क्या चाह रहे हैं, उसने उसी के अनुसार अपनी फिलॉसफी और अपने सिद्धांत बनाए कि लोग वास्तव में क्या चाह रहे हैं। लोग शहरीकरण से तंग आ चुके हैं, लोग ब्राह्मणवादी विचारधारा से तंग आ चुके हैं, जहां पर डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है शूद्रों के साथ, शूद्र परेशान हो रखे हैं, वैश्य परेशान हो रखे हैं, क्षत्रिय भी परेशान हो रखे हैं कि सबसे ऊंचा स्थान ब्राह्मणों को मिलता है, तो उसी के अनुरूप इन्होंने अपने सिद्धांत की व्याख्या की। इन्होंने सबको पूर्ण आजादी दी अपने संघ के अंदर, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रखा, जो ब्राह्मण धर्म में भेदभाव किया जाता है, इसलिए हजारों की संख्या में लोग बौद्ध धर्म में शामिल हुए। फिर इसके बाद आगे लिखो, संघ के नियम। अपराधियों कुष्ठ रोगियों, कुष्ठ रोग होता है ना जो फैलता है, कोमा संक्रमित बीमारी वाले व्यक्तियों को संक्रमित बीमारी वाले व्यक्तियों को संघ में स्थान नहीं दिया गया। संघ में प्रवेश के लिए 15 वर्ष से अधिक उम्र रखी गई।
वर्ष से अधिक उम्र रखी गई। संघ में विभिन्न प्रकार की शिक्षाएं देने के कारण संघ में विभिन्न प्रकार की शिक्षाएं देने के कारण भविष्य में बौद्ध धर्म विभिन्न प्रकार की शिक्षाएं देने के कारण भविष्य में बौद्ध धर्म विभिन्न संप्रदायों में बट गया, विभिन्न संप्रदायों में बट गया। संप्रदाय संप्रदायों में बट गया। इसी के साथ में हम आज का ये लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। मुझसे जुड़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।